हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी फिल्म मेकर। मैं हूं परवेज, एक बार फिर आपके साथ। गाइस, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस कैमरा के फंक्शनैलिटी के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसके मेन्यू सिस्टम को कहां से आप एक्सेस कर सकते हैं और इसके बटन्स को किस तरह से आप अलग अलग मेन्यू टास्क के लिए असाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप कैमरा को पावर ऑन करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर कैमरा आपको APR परफॉर्म करने के लिए कहता है। APR का मतलब है ऑटोमेटिक पिक्सल रेस्टोरेशन। APR आपके कैमरा के डार्क और ब्राइट सेंसर पिक्सल्स की अपीरियंस को कम करता है और सेंसर नॉइज को भी कंट्रोल करता है। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लेंस को कवर करके एग्जीक्यूट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और ये आप तीन अलग अलग बटन से कर सकते हैं। पहला मल्टीफंक्शनल डायल, दूसरा हैंड ग्रिप और थंब ग्रिप, और सेट बटन को यूज़ करके। और अगर आप APR परफॉर्म नहीं करते हैं तो कैमरा आपको वापस से रिमाइंड कराता है जब भी आप उसे ऑन करेंगे। इस कैमरा में बेस्ट पिक्चर क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको APR को रेगुलर परफॉर्म करना ज़रूरी है। FX9 में ये बटन कैमरा के मेन्यू सिस्टम को नेविगेट करने के लिए काफ़ी यूजफुल है। सिर्फ मेन्यू ही नहीं, आप इस डायल को डायरेक्टली पुश बटन के साथ भी यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस और इंक्रीज ISO, शटर और सेट वाइट बैलेंस। आप इस मल्टीफंक्शनल डायल को स्पेसिफिक मेनू टास्क भी असाइन कर सकते हैं बिना पुश बटन यूज किए हुए। बट मेरा प्रेफरेंस है कि आप इसे आयरिस पे सेट करके रखें ताकि आप अपना आयरिस जब चाहें अपने सीन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं बिना मेन्यू में जाए। इस कैमरा में 10 बटन दिए हैं जिनको आप अलग अलग मेन्यू टास्क के लिए असाइन कर सकते हैं। असाइन करने के लिए आप मेन्यू में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर असाइनेबल बटन्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेन्यू से आप डायरेक्ट सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए आप हैंड ग्रिप पर लगे डायरेक्ट मेन्यू बटन और उसकी जॉयस्टिक को यूज़ कर सकते हैं, या फिर मल्टीफंक्शनल डायल को प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि जब आप इसको एक्सेस करेंगे तब आपकी स्क्रीन पर जो भी सेटिंग सेलेक्ट होगी वो ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो जाएगी, और फिर आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं मल्टीफंक्शनल डायल को घुमा के या फिर हैंड ग्रिप पर लगी थंब ग्रिप से। वाइट बैलेंस की वैल्यूज को फिक्स रखने के लिए आप इसके बटन को प्रीसेट पे रख कर मेन्यू में जाके वाइट प्रीसेट को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और प्रीसेट के ऊपर बटन A और B को आप सेट वैल्यू पर असाइन कर सकते हैं। आप वाइट बैलेंस को डायरेक्ट मेन्यू से एक्सेस करके भी अपने सीन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेन्यू से जब आप वाइट बैलेंस को बदलते हैं तो वो आपकी पहले की असाइन की हुई सेटिंग को रिप्लेस कर देता है। शटर स्पीड चेंज करने के लिए आप शटर बटन को पुश करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। शटर की वैल्यू को हम दो तरह से सेट करते हैं, पहला एंगल और दूसरा है स्पीड। सो आप क्या शूट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप मेन्यू में जाके शटर को स्पीड या एंगल में चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको शटर में एक ऑप्शन और मिलेगा जिसकी मदद से आप कंप्यूटर स्क्रीन को सही से शूट कर सकते हैं, वो है ECS शटर। इसको इनेबल करने के लिए आपको शटर बटन को 2 सेकंड तक प्रेस करना है, और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक सब मेन्यू खुल जाएगा जिसमें आप ECS शटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप मॉनिटर स्क्रीन शूट करते हैं और उसके ऊपर जो स्कैन लाइंस आती हैं, आप उन स्कैन लाइंस को इसकी वैल्यू को एडजस्ट करके मिनिमाइज कर सकते हैं।
ISO और गेन की सेटिंग को चेंज करने के लिए या सेट करने के लिए आपको बस इसे पुश करना है और मल्टीफंक्शनल डायल से इसकी वैल्यूज को सेट कर सकते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग। इसे भी आप डायरेक्ट मेन्यू से एक्सेस कर सकते हैं। आप इसे तीन अलग अलग गेन लेवल असाइन कर सकते हैं जो है लो, मीडियम और हाई। आपको सिंपली शूटिंग मेन्यू में जाके इनकी वैल्यूज को सेट करना है। ISO और गेन के ऑटो मोड को डिसेबल या एनेबल करने के लिए इसे आपको 2 सेकंड तक प्रेस करना है या फिर डायरेक्ट मेन्यू में जाके भी कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इस कैमरा के अंदर जिस भी सेटिंग्स को आप ऑटो पे रखेंगे उसके बटन पे ग्रीन लाइट हमेशा जलती रहेगी ताकि आपको पता रहे कि वो ऑटो पे चल रहा है। इनबिल्ट वेरिएबल ND फिल्टर्स, ये इस कैमरा की सबसे बेस्ट चीज है। जब आप एक सीन को सिनेमैटिक लुक देने के लिए लार्ज आयरिस या लार्ज अपर्चर पर शूट करते हैं तब आपको ND फिल्टर्स उस लुक को मेंटेन करने के लिए काफी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने f2.8 पर यह शॉट लिया है लेकिन यह शॉट ओवर एक्सपोज्ड है और इसको सही करने के लिए मैं अगर अपना अपर्चर आयरिस छोटा करता हूँ तो मुझे जो डेप्थ मिल रही थी वो चली जाएगी। तो डेप्थ को मेंटेन करते हुए मुझे लाइट भी कंट्रोल करनी है तो मुझे ND फिल्टर का यूज करना होगा। ND फिल्टर को आप ऑटो मोड पे भी रख के शूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले ND प्रीसेट में प्लस बटन को पुश करना है और फिर ND ऑटो को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है। इसमें भी ग्रीन लाइट जल जाएगी जब ये ऑटो मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने अपर्चर सेटिंग्स चेंज भी कर दी है तब भी ऑटो मोड एक्सपोजर को कॉन्स्टेंट रखने में मदद करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शब्बा खैर। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए और जाने से पहले मतलब सब्सक्राइब किए बिना YouTube बंद मत कीजिएगा प्लीज़।